हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश राज आपका जीएस मेंटर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एक्टिविटीज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं उन 15 क्वेश्चन के बारे में जो आपकी जर्नी में आगामी है, जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो इस और उनको अपने डिटेल से एनालिसिस, उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनके बारे में जानेंगे कि उनके एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। और इसी क्रम में अपन बढ़ते हैं और अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई है, जीवन की मूलभूत इकाई है ए कोशिका, ब अंग, स उत्तक और द नाभिक। तो डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की अपन बात करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोशिका, यानी कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। अब जानते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की अपन बात करें, जो कोशिका सिद्धांत था, कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडिंग और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने लिए दिया था। और कोशिका किसने दिया था? स्लाइडिंग और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। बात करें इसकी इसकी परिभाषा की, कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोशिका किसे कहते हैं, तो शरीर की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका है। द फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी कॉल्ड इज कोशिका, यानी कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। अपन बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? ए लूसी, ब होमो नेरी, स होमो सेपियंस, द ऑस्टियोपिथेलेंस। आपको बताना है कि जो हाल ही में कुछ यानी कि पिछले सत्र 2019 में जो मानव विकास के संबंध में जो खोज की गई है, उसकी कड़ी में कौन से जीवाश्म की खोज की गई है, मानव से कौन से जीवाश्म की खोज की गई है, जिससे पता चलता है कि मानव का पूर्वज है। तो इसके राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो बे ऑप्शन होमो नेरी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? बे ऑप्शन होमो नेरी। ऐसा फैक्टर में जाने तो होमो नेरी जीवाश्म की खोज सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में 2013 में कर ली गई थी। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खोज की घोषणा की बात करें तो औपचारिक रूप से घोषणा 2015 में की गई है। सबसे पहले कहा गई थी होमो नेरी जीवाश्म की खोज दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 2013 में की गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खोज औपचारिक रूप से घोषणा की गई 2015 में की गई है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ब चार्ल्स डिकेंस, श चार्ल्स डार्विन और द आइजक न्यूटन। तो आपको बताना है कि जो विकास का डेवलपमेंट का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन है। एक्स्ट्रा फैक्ट हम जाने तो उसका एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं, इस सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है और सिद्धांत की व्याख्या इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में की गई है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया कि चार्ल्स डार्विन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आपको याद रखना है और इस सिद्धांत को जो विकास का सिद्धांत उसको डार्विन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अपना थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? ए साल्मोनेला, ब राइजोबियम, स इकोलाई, द स्यूडोमोनास। तो आपको बताना है कि जो नाइट्रो फिक्सिंग में कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर अगर बात करें तो इसका राइट आंसर होगा राइजोबियम होता है, यानी राइजोबियम होता है लेगोनिसी कुल के पौधों में पाया जाता है, ये नाइट्रो फिक्सिंग के रूप में यूज होता है। और ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की क्षमता रखता है और लेगुमिनेसी कुल की जड़ों पौधों की जड़ों में पाया जाता है। जबकि अगर बात करें अपन स्यूडोमोनास की, जो स्यूडोमोनास है वो डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया करता है, नाइट्रोजन यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसमें वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलने की शक्ति होती है। यह लेगुमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जबकि स्यूडोमोनास की बात करें तो ये डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देता है। ओके, इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन राइजोबियम। ओके, अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? बात यहाँ जीका वायरस की गई है जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन ए है मच्छर, ब जल, स वायु और द भोजन। तो इसका राइट आंसर बताना चाहेंगे,
इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा मच्छर, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो जीका वायरस है मच्छर के द्वारा, और मच्छर भी कौन सा, एडीज मच्छर के द्वारा ये फैलता है। इसमें बच्चों के मानसिक विकास में विकृति उत्पन्न हो जाती है। अगर इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो हल्का हल्का बुखार आना, बेचैनी का अनुभव होना, सिर दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, त्वचा पर रेड रेड स्पॉट का हो जाना, ये इसके क्या है, लक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मच्छर होगा जो जीका वायरस जो एंटी एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अपन बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। मेलियोडोसिस क्या है, आपको बताना है कि जो मेलियोडोसिस रोग है वो क्या है, किस प्रकार का रोग है। तो ए है त्वचा पर लाल चकते, ब स्मरण शक्ति में क्षति होना, स संक्रामक रोग, और द जोड़ों में पुराना दर्द। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर अपन बात करें, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स संक्रामक रोग। ऐसा फैक्ट अपन जान लेते हैं, इस रोग को व्हाइट मोर रोग भी कहा जाता है, यानी कि जो संक्रामक रोग है इसको किस नाम से जानते हैं, व्हाइट मोर रोग के नाम से इसको जाना जाता है, जो एक संक्रामक बीमारी है। और सबसे ज्यादा ये मानव और जानवरों दोनों को इफेक्ट करती है। बात करें इसके जीवाणु की, कौन सी जीवाणु द्वारा ये फैलता है, तो होता है बर्क होले डेरिया शुडो मले आई, बर्क होले डेरिया शुडो मले आई। ओके, तो आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं पहले अपने सेवन क्वेश्चन की। सेवन क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ए ऑप्शन है चार्ल्स एल्टन, ब रेमंड, स एवलिन हचिंसन, और द आर्थर टेंसले। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम होता है उसकी संकल्पना सबसे पहले परिभाषित की थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द आर्थर टेंसले। यानी कि एजी टेंसले ने 1935 में सबसे पहले इसका नामकरण किया था। बात करें अपन इकोसिस्टम किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, तो इस प्रकार का तंत्र जो वातावरण के जैविक व अजैविक घटक हैं उनमें परस्पर क्रियाओं के द्वारा, उनके परस्पर संबंध, उनके रिलेशनशिप के द्वारा प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, इको सिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर द ऑप्शन होगा एजी टेंसले। ओके, अपना 10th क्वेश्चन है, पानी का घनत्व कितना, पानी का घनत्व कितना होता है, ए 1000 किलो पर घन मीटर, ब 10 किलो पर घन मीटर, स 1 किलो पर घन मीटर, और द 100 किलो पर घन मीटर। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1000 किलो घन मीटर होता है। ओके, जानते हैं इसका एक्स्ट्रा फैक्ट। तो घनत्व किसे कहते हैं, आपसे भी पूछा गया है कि डेंसिटी किसे कहा जाता है, तो डेंसिटी की परिभाषा बिल्कुल छोटी छोटी किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है, घनत्व का कहते हैं। मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू किसी पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का आयतन, उससे क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ओके, जाने कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे बर्फ की बात करें तो बर्फ का होता है 920 किलो पर घन मीटर, पारे की जल का मैंने आपको बता दिया 1000 किलो पर घन मीटर होता है, पारा की बात करें तो 7800 किलो पर घन मीटर इसका घनत्व होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है भार घट जाएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। इसमें पूछा गया कि चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ए भार घट जाएगा, ब भार बढ़ जाएगा, स भार भार घट या बढ़ सकता है, और द भार अपरिवर्तित रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर की बात करें, डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको अच्छे से जानना है कि पूछा गया है चलती हुई लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन स भार बढ़ या घट सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा गया है कि चलती हुई लिफ्ट में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो चलती हुई लिफ्ट में भार बढ़ या घट सकता है, तो इस स्थिति में व्यक्ति का वजन बढ़ या घट सकता है, क्योंकि प्रश्न में केवल चलती हुई लिफ्ट के बारे में कहा गया है। यदि बात करें लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है तो व्यक्ति को अपना भार घटता हुआ प्रतीत होता है, और बात करें लिफ्ट अगर ऊपर की ओर गति करती है तो वजन बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। बात करें मैं 10th क्वेश्चन की। 10th क्वेश्चन है, सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। सौर मंडल के हीलियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में पूछा है कि सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, अ विलियम हर्सेल, ब निकोलस कोपरनिकस, स जोहानसन केपलर, और द गैलीलियो।
तो आपको बताना है कि जो सौर मंडल का जो वायुमंडल का जो हीलियोसेंट्रिक मॉडल है वो सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स निकोलस कोपरनिकस, यानी कि बे ऑप्शन का राइट आंसर होगा, जो कि खगोल शास्त्री थे, जो कोपरनिकस थे खगोल शास्त्री, और इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि जो जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो पृथ्वी न होकर सूर्य को इन्होंने ब्रह्मांड का केंद्र कहा था। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ पाए होंगे। इलेवन क्वेश्चन की मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? ए ऑप्शन है 34 डिग्री सेल्सियस, बी 35 डिग्री सेल्सियस, सी 36 डिग्री सेल्सियस और डी 37 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा गया कि मानव शरीर का जो औसतन एवरेज एवरेज उसका टेम्परेचर वो कितना होता है। तो डियर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा से ऑप्शन 36 डिग्री सेल्सियस। बात करें अपन फॉरेनहाइट में पूछा जाए तो फॉरेनहाइट में होता है 98.66 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। और अगर बात पूछे सेल्सियस में पूछा जाता है तो 36 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, बात करें अपन 12th क्वेश्चन की, तो 12th क्वेश्चन है अपना इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्यों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य के बारे में पूछा गया है, प्रोटॉन ब न्यूट्रॉन से पॉजिट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन के जो समतुल्य प्रतिद्रव्य है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन कहा जाता है। सो ऑप्शन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का जो प्रतिद्रव्य मान होता है वो दोनों का समान होता है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻³¹ होता है, क्योंकि इन दोनों का द्रव्यमान एक समान होता है। कितना होता है 9.1 × 10⁻³¹ होता है। ओके, बात करते हैं अपन 13th क्वेश्चन की, वह एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य में परिवर्तित हो जाती है, ब्रोमीन ब क्लोरीन स पारा और द गैलियम। तो एकमात्र धातु है वो है ऑप्शन ए ब्रोमीन, ए धातु है जो कमरे के तापमान पर क्या होती है अपने आप को द्रव्य में परिवर्तित कर लेती है। और ये जो होती है जो ब्रोमीन होती है इसके प्रतिचिन्ह की बात करें तो BR का प्रतिचिन्ह होता है और अपनी जो पीरियोडिक टेबल है उसके आवर्त के सातवें समूह का एकत्व होता है। उसके कलर की बात करें तो ये लाल और भूरे रंग का होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ पाए होंगे। अपना 14th क्वेश्चन है, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ए नाइट्रोजन ब हीलियम स प्रोपेन और द हाइड्रोजन। तो आपको बताना है जो गर्म हवा के जो गुब्बारे हवा आकाश में उड़ाए जाते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसके राइट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से प्रोपेन होता है। बात करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट की, क्योंकि आजकल जो आधुनिक गुब्बारे बनाए जाते हैं वो गुब्बारे बनाए डेक्रोन के या फिर रिप स्टॉप नायलॉन के बने होते हैं, रिप स्टॉप नायलॉन या डेक्रोन के बने होते हैं। जब उनको हवा में ऊपर उठाया जाता है तो उनमें जो बर्नर लगा होता है उसको जला दिया जाता है और जलाकर उसमें कौन सी गैस भरती जाती है प्रोपेन भरती जाती है, जो वो आसानी से हवा में उड़ पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस को अज्ञात या अजनबी एक्सटेंजर गैस कहा जाता है? ए ज़ीनॉन ब नियोन स आर्गन द क्रिप्टॉन। तो फ्रेंड्स आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन ज़ीनॉन होता है जिसका प्रतिचिन्ह ZE होता है और इसका परमाणु क्रमांक बात करें तो 54 इसका परमाणु क्रमांक होता है जो कि एक धात्विक तत्व होता है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या वाकई में आपको ये वीडियो आपके आपको लगता है कि ये वीडियो आगे किसी फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड्स जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप जाइए और अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि अभी इससे होगा क्या, इससे इतना सा होगा कि आपको आपका फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स का नॉलेज गेन हो पाएगा, आपके फैमिली मेंबर्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा और कहीं ना कहीं जाके वो आपको थैंक यू कहेंगे और इससे मेरा भी छोटा सा इनिशिएटिव वो पूरा हो जाएगा कि मेरा मैसेज उन तक पहुंच पाएगा और आप अच्छे से इन सीरीज के माध्यम से अपने GS के नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं तो आप मुझे मैसेज पिन करके उसके बारे में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं कुछ और नया इसमें चेंजेस करूँ तो उसके बारे में आप मुझे मैसेज में
कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।